हेलो फ्रेंड्स, मैं संजना त्यागी संजना बुटीक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों पर अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखिए, ये मैं आपको, ये मेरे पास एक साड़ी आई है जिसका, यहाँ से ये देखिए, अभी मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ इसे अच्छे से। ये देखिए, इसमें यहाँ पर एक छोटा कट लग गया है, ये किसी तरह से या तो इलज गई है, ये देखिए। ये तो आज हम इसे बिना रफू के हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि रफू इस पर बहुत अच्छी नहीं लगेगी देखकर। तो इसे ऐसा कुछ करेंगे ये मतलब ठीक भी हो जाए और बुरी भी ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक छोटा पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा और प्रेस, बिल्कुल जो हाई फ्लेम पर गर्म हो, और बस यही दो चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक छोटा पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, इसमें से मैं जितना ये बड़ा है सेम इसी के ये इस तरीके से स्क्वायर में ले लूँगी, और इसे इस यहाँ इसके ऊपर लगाकर इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद जैसा कि देखिए, इसके ऊपर ये ऐसी एम्ब्रॉयडरी ये अलग से बना हुआ है और उसके ऊपर लगा के रखा हुआ है, तो ऐसा ही कोई हम अपने पास से अगर हो तो अरेंज कर लेंगे, नहीं तो बाज़ार से ले लेंगे, क्योंकि साड़ियाँ काफ़ी महंगी होती। उसके लिए 150 रुपये खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता ऐसा कोई भी आप अगर फूल वगैरह कुछ लेंगे तो। ये देखिए, इसी से मैचिंग कोई मैं ढूँढ लेती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे पास, मैंने इस तरीके से, ये किसी लेस में था तो मैंने उसमें से ये निकाल लिया है, और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ये काफ़ी इसकी जो बाउंड्री लाइन है ये मैचिंग करती हुई है इसके ऊपर। तो ये मैं पहले इसे यहाँ पर प्रेस से इस पर पेपर पेस्टिंग लगाऊंगी, और उसके बाद फिर हम इसे आगे का जिसका जो प्रोसेसिंग है उसे पूरी करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग से इसे ठीक कर लिया है, लेकिन ये ब्लैक कलर का कपड़ा है और जो हमारी पेस्टिंग है वो वाइट कलर की है, तो ये हल्का हल्का इसमें ट्रांसपेरेंट होकर दिख रहा है सफ़ेद कलर, तो ये अच्छा नहीं लगेगा साड़ियों पर। तो हम इसे इस तरीके से, ये देखिए, ये बिल्कुल मतलब ना ही तो अलग दिख रहा है और सेम मैचिंग जैसा लग रहा है। अब इसे हम यहाँ से ऐसे राउंड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए पहले सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इस पर बहुत धीरे धीरे से खींचकर, वैसे मोड़कर नहीं चलाएंगे अपने आप से ही मशीन को, वरना तो इसमें जैसे झोल आ जाता है इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे ये इसका जो होता है इसे उठाकर और तभी मशीन को मोड़ें, और हाथ से धीरे धीरे घुमाते हुए, वो आपके स्पीड पर निर्भर करता है, अगर आप तेज़ से चलाकर भी करना चाहें तो कर सकती हैं, वरना तो मैं हाथ से ही चलाकर कर रही हूँ जिससे कि अच्छे से दिखाई भी दे जाए, वरना तो पैरों से अगर मशीन चलाऊँगी तो एक मिनट में पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया। और ज़्यादा मशीन भी नहीं चलानी है हमें, बस एक ही इस पर पूरा राउंड पूरा करना है। तो देखिए, ये मैंने पूरा कर दिया है, और ये दिक्कत ज़्यादातर सभी साड़ियों में हमारे साथ हो ही जाती है, क्योंकि जो हम जो इसकी प्लेट्स बनाकर उसमें पिन लगाते हैं उससे ये खिंच जाती है। तो आप भी इस तरीके से कोई भी अपनी साड़ी ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो इसका जो बैक साइड लुक है, ये बाकी जो फ्रंट साइड है वो इस तरीके से, ये हम धागा कट कर देंगे पहले। ये देखिए, अब इसका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अगर आपकी भी कोई साड़ी इसी तरीके से ख़राब हो गई है तो आप भी इसी ट्रिक से उसे बिल्कुल बेहतर कर सकती हैं, वो भी बिना किसी टेलर के पास जाए या बिना उस पर रफू कराए, क्योंकि सादी रफू करते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, और वैसे अगर उसे ऐसी को ही पहनेंगे तो वो भी ज़्यादातर फिर वो ज़्यादा ही कटती जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। और फ्रेंड्स, अगर आप पेपर पेस्टिंग से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी ही चैनल पर ऐड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो जाकर चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी।